हेलो, मैं हूँ डॉक्टर स्वाति चिटनेस, ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट शेल्बी हॉस्पिटल्स में। आज 17 नवंबर यानी वर्ल्ड प्री मैच्योरिटी डे है, तो आज प्री मैच्योर बेबीज़ के सिवाय मैं प्री मैच्योर बेबीज़ के पेरेंट्स के बारे में बात करना चाहूँगी, क्योंकि बेबी का पेरेंट होना भी बहुत स्ट्रेसफुल होता है अगर आपका बच्चा स्पेशली NICU में एडमिटेड है और प्री मैच्योर पैदा हुआ है। तो आप क्या क्या कर सकते हैं जिससे कि थोड़ा प्रोसेस आपके लिए स्मूथ हो जाए और आपको ज़्यादा एंग्जाइटी भी ना हो। सबसे पहले आपके पीडियाट्रिशियन से बात कीजिए, कोई भी पीडियाट्रिशियन या नियोनेटोलॉजिस्ट खुशी खुशी आपके सब क्वेरीज़ का आंसर देंगे। इसमें मैं एक टिप देना चाहूँगी कि आप लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस बना सकते हैं या पेपर पर या आपके फ़ोन पर, इससे आपको भी ईजी रहेगा, आप कुछ भूलेंगे नहीं और डॉक्टर को भी ईजी रहेगा आपके क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। दूसरी चीज़ जो काफ़ी पेरेंट्स ने देखी होगी, सुनी होगी, इस कैंगरू मदर केयर, जिसमें बेबी के साथ पेरेंट या कोई भी फैमिली मेम्बर का डायरेक्ट स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट होता है। हालांकि इसको कैंगरू मदर केयर बोलते हैं, पर ये डाइट्स भी कर सकते हैं, सो एनी फैमिली मेम्बर हु इज़ स्टेइंग विद द बेबी इज़ फाइन। तीसरी चीज़ जो आप मदर्स कर सकते हैं वो है, अगर आप बेबी को डायरेक्टली ब्रेस्ट फीड नहीं करा पा रहे हैं क्योंकि आपका बेबी बहुत छोटा है, तो आप मिल्क पंप करके भेज सकते हैं। देर इज़ नथिंग लाइक मदर्स मिल्क फॉर बेबी, इसमें बहुत सारी इम्यूनिटी होती है जो आपको और कोई तरह का मिल्क नहीं दे सकता। चौथी चीज़ है कि अगर आपको बेबी को उठाने को और टच करने को किसी वजह से अलाउ नहीं किया जा रहा है, तो प्लीज़ पैनिक मत होइए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। आप बेबी को कोई बुक रीड करके सुना सकते हैं, आप सॉन्ग्स गा सकते हैं, या आप वहाँ पर बैठकर आपकी डायरी लिख सकते हैं, जिससे आपको भी थोड़ा स्ट्रेस रिलीफ होगा। पांचवी चीज़ है, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, शायद कोई डिस्कस नहीं करता, कि आप बार बार हैंड वॉशिंग और सैनिटाइजिंग की वजह से आपके हाथ बहुत ड्राई हो जाते हैं। यू कैन कैरी योर क्रीम, बट उसमें एक ध्यान रखना है कि आपकी क्रीम में फ्रेग्रेंस नहीं होना चाहिए। छोटे बच्चों की नोजेस बहुत सेंसिटिव होती हैं, और अगर आप कोई फ्रेग्रेंट क्रीम लेकर जाएंगे तो उसकी वजह से बच्चों को तकलीफ हो सकती है। इन केस आपका बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया है और आपको ब्रेस्ट फीडिंग के लिए अलाउ किया गया है, पर आपको ब्रेस्ट फीडिंग में डिफ़िकल्टी आ रही है, तो देर आर स्पेशलिस्ट फॉर दैट, जिनको लैक्टेशन कंसल्टेंट बोलते हैं। बिल्कुल हेजिटेट मत कीजिए और लैक्टेशन कंसल्टेंट से मिलिए। ब्रेस्ट फीडिंग रिलेटेड ज़्यादातर प्रॉब्लम्स छोटी छोटी होती हैं, एंड दीज पीपल आर रियली रियली हेल्पफुल। फॉर ऑल द पेरेंट्स हु आर टेकिंग केयर ऑफ प्री मैच्योर बेबीज, वी होप दैट योर बेबी कम्स होम इन गुड हेल्थ वेरी वेरी सून। टेक केयर।